कौवे के बताए हुए 14 शुभ संकेत। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व ही हो जाती है। हमारे समाज में चिरकाल से कौवे को लेकर शुभ अशुभ शकुन अपशकुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता रहा है। शकुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारी का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित शकुन अपशकुन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दे रहे हैं। यात्रा के समय अगर आपको कौवा बर्तन में मुंह डुबाकर पानी पीते हुए दिखाई दे तो यह धन लाभ का संकेत है, आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। मार्ग में अगर आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने का संकेत है। प्रातः काल में कौवा आकर आपको पांव से स्पर्श करके जाए तो यह आपके उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि खोदता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। रास्ते में जाते समय कौवा यदि तोरण पर बैठा हुआ दिखाई दे तो मनोवांछित फल मिलता है। सूर्योदय के समय आपके घर के सामने अगर कौवा बोलता है तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। अगर आपको कौवा चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाए तो आपका कार्य पूर्णतः सफल होगा। ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे कौवे का स्वर सुनाई दे तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना गया है। अगर स्त्री के सिर पे पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है। अगर कौवा मुंह में रेत अनाज गीली मिट्टी या फल फूल भर के आपके घर तक ले आए तो यह अचानक होने वाली धन प्राप्ति का संकेत है, आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। बैसाख के महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाए तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। रास्ते में आपको अगर दो कौवे एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दें तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। अगर सुबह सुबह आपके सो के उठने के बाद घर पर कौवा आए और कांव कांव की रट लगाए तो ये किसी अतिथि के आगमन का संकेत है।